हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आई हूँ आपके सामने एक नए प्रोडक्ट की रिव्यू करने। और दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको जानकारी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ वो है TREsemme का एक शैम्पू। तो आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों, ये है केराटिन प्रोटीन शैम्पू। तो दोस्तों, ये 580 ml का है और मैंने इसे नायका से परचेज किया है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। और ये दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगे खरीद सकते हैं। ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और ये 580 ml का है और इसका जो प्राइस है 425 है। लेकिन दोस्तों घबराइएगा मत, ये आपको अराउंड 350 में कहीं पर भी डिस्काउंट में मिल जाता है। शॉपिंग मॉल्स में ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाता है। और ये पंप बॉटल में मैंने बड़ा वाला ख़रीदा है क्योंकि मुझे शैम्पू थोड़ा ज़्यादा लगता है। और मैंने आज भी अपने हेयर पे ऐसा ये शैम्पू ही अप्लाई किया है। हाँ दोस्तों, इसका कंडीशनर भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और हाँ दोस्तों, एक एक करके मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें हाँ एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये इसमें केराटिन है। हाँ, आप इसका जो भी वेरियंट लेते हैं सब में ही केराटिन अवेलेबल होता है। तो ये हेयर को स्मूथ करने के लिए केराटिन बहुत ही अच्छा वाला चीज़ है। और हाँ दोस्तों, इसका स्मेल जो है बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इसका नहीं, इसमें जितने भी वेरिएंट आपको मिलते हैं ना, सब के खुशबू बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही अच्छा है। हाँ, और ये पंप बोतल में है तो और भी अच्छा है। हाँ, इसे यूज़ करने में और भी आसानी होती है। हाँ, और हाँ दोस्तों, इसका जो शेल्फ़ लाइफ है, इसका शेल्फ़ लाइफ दोस्तों 3 ईयर है। हाँ, ये 580 ml का जो शैम्पू है ये आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और हाँ दोस्तों, इसमें हेयरफॉल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो नॉर्मल है, 2-3 बाल तो रोज़ झड़ते ही हैं। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप नहीं खरीद अपना खरीदे तो ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं कहूँगी कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे 10 में से 9 दूँगी क्योंकि थोड़े बहुत तो बाल झड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये बालों को बहुत ही स्मूथ कर देता है, स्पेशली जिन लोगों के बाल स्ट्रेट है उन लोगों के बाल और भी स्ट्रेट और स्मूथ हो जाते हैं और शाइन भी करता है। हाँ दोस्तों, ये बालों को बहुत अच्छा चमक देता है। और हाँ दोस्तों, एक उसका बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि इसे अप्लाई करने के बाद कंडीशनर तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद लेबॉन सीरम थोड़ा लगा लीजिएगा, नहीं तो लॉरियल का सीरम भी आता है। हाँ, और दूसरा स्ट्रिक्स का भी आता है और भी बहुत सारे सीरम्स हैं। सीरम सब लगाए तो आपके बाल और भी स्मूथ और शाइनी लगते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं इस शैम्पू को बहुत 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 चाहती हूँ और मैं इसे पिछले 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं दिखती है। मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला शैम्पू। और हाँ, इसमें जो केराटिन स्मूथ आता है, जो रेड वाला बॉटल आता है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी बहुत सारा बहुत अच्छा है। मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट आजमा लिए हैं, सारे अच्छे हैं। और अभी मेरे पास ये वाला ही है, बाकी ख़त्म हो गए हैं। तो दूसरों का भी मैं रिव्यू कर दूंगी बहुत जल्द। तो दोस्तों, आज का रिव्यू इतना ही। मैं फिर आऊँगी किसी नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नए प्रोडक्ट का रिव्यू करने। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।